साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हिंदी लिखना सीखें, हिंदी लिखना सीखें कि आज की इस वीडियो में हम लोग अंग और अहा की मात्रा वाले शब्दों के वाक्य लिखना सीखेंगे। आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ लिखने के लिए तैयार होंगे। पहला वाक्य लिखेंगे। पहला वाक्य है, मीना बिंदी लगा रही है। मीना मामे बड़ी की मात्रा, नामे बड़िया की मात्रा, मीना बिंदी लिखते रहिए आप भी, बामे छोटी की मात्रा अनुसार बिंदु, दामे बड़ी की मात्रा, लगा ल और गामे बड़िया की मात्रा लगा, और र हा में बड़ी की मात्रा रही, और फिर हा में अ की मात्रा है। मीना बिंदी लगा रही है के बाद में अगला वाक्य है, सरस्वती की वंदना कर। सरस्वती की वंदना कर, स र आधा सा वा तामे बड़ी की मात्रा, सरस्वती की कामे बड़ी की मात्रा की वंदना, वामे अनुसार बिंदु, द नामे बड़िया की मात्रा वंदना, का और आ कर विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे। अगला वाक्य है, बंदर संतरा लेकर भाग रहा है। बंदर बामे अनुसार बिंदु, दारा दर बंदर, सामे अनुसार बिंदु, त रामे बड़िया की मात्रा संतरा, लामे एक की मात्रा ले, कारा कर लेकर, भा में बड़िया की मात्रा भा और ग भाग, रा हा में बड़िया की मात्रा रहा, और हा में अ की मात्रा है। ठीक है, अगला वाक्य लिखेंगे, आनंद हुड़दंग मत मचा। आनंद हुड़दंग मत मचा लिखेंगे, बड़ा आ नामे अनुसार बिंदु, और द आनंद हुड़दंग हामे छोटे उ की मात्रा अवड़ा हुड़, दामे अनुसार बिंदु, और ग दंग हुड़दंग मत म और ता मत, मचा म और चा में बड़िया की मात्रा चा मचा। आनंद हुड़दंग मत मचा के बाद में अगला वाक्य है, हिंदी की किताब रोजाना पढ़। हा में छोटी की मात्रा अनुसार बिंदु, दा में बड़ी की मात्रा हिंदी, का में बड़ी की मात्रा की, और का में छोटी की मात्रा, ता में बड़िया की मात्रा, और ब किताब, रोजाना रामे ओ की मात्रा, जामे बड़िया की मात्रा, और नामे भी बड़िया की मात्रा, रोजाना पढ़ पा और हा पढ़ विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे, यह चित्र पांच रंगों से बना है। यह चित्र या और यह, चामे छोटी की मात्रा और त्र चित्र, पामे बड़िया की मात्रा चंद्र बिंदु, और चा पांच, रामे अनुसार बिंदु, गामे ओ की मात्रा अनुसार बिंदु रंगों से, सामे एक की मात्रा से, ब नामे बड़िया की मात्रा ना बना, और हा में अ की मात्रा है विराम लिख देंगे। और अगला वाक्य लिखेंगे, कंचन मंच पर नाच रही है। कंचन कामे अनुसार बिंदु, च और ना चन कंचन, मामे अनुसार बिंदु, और च मंच, प और आ पर, नामे बड़िया की मात्रा और च नाच, हरा हा में बड़ी की मात्रा रही, और फिर हा में अ की मात्रा है के बाद में अगला वाक्य लिखेंगे, बच्चे को ठंड से बचा कर रखो। बच्चे को ब आधा चा में एक की मात्रा, बच्चे का में
ओ की मात्रा को ठा में अनुसार बिंदु और ड ठंड, सा में ए की मात्रा से, ब चा में बढ़िया की मात्रा बचा और करा कर बचा कर, र खा में ओ की मात्रा रखो, विराम लिख देंगे। बच्चे को ठंड से बचाकर रखो के बाद में अगला वाक्य है, हंस तालाब में तैर रहे हैं। हंस तालाब में तैर रहे हैं लिखेंगे, हा में अनुसार बिंदु और सा हंस, ता में बढ़िया की मात्रा ता, ला में भी बढ़िया की मात्रा और वो तालाब, मा में एक की मात्रा अनुसार बिंदु में, ता में एक की मात्रा और रा तैर, फिर रा और हा में एक की मात्रा रहे, फिर हा में एक की मात्रा अनुसार बिंदु रहे हैं। हंस तालाब में तैर रहे हैं, ठीक है। और अगला वाक्य लिखेंगे हम लोग, पंडित जी शंख बजा रहे हैं। पा में अनुसार बिंदु, डा में छोटी की मात्रा और ता पंडित, जा में बड़ी की मात्रा जी, शा में अनुसार बिंदु शंग और ख शंख, ब जा में बढ़िया की मात्रा बजा, रा हा में एक की मात्रा रहे और हा में एक की मात्रा अनुसार बिंदु हैं। पंडित जी शंख बजा रहे हैं के बाद में अगला वाक्य लिखेंगे, राहुल गंगा में स्नान कर रहा है। राहुल, रा में बढ़िया की मात्रा, हा में छोटे ऊ की मात्रा और ल राहुल, गंगा गा में अनुसार बिंदु, गा में बढ़िया की मात्रा गंगा और मा में एक की मात्रा अनुसार बिंदु में आधा सा और ना में बढ़िया की मात्रा और ना स्नान, का रा कर रा, हा में बढ़िया की मात्रा रहा और हा में ए की मात्रा है। राहुल गंगा में स्नान कर रहा है के बाद में अगला वाक्य लिखेंगे, संजय पंजाब जा रहा है। सा में अनुसार बिंदु, ज और य संजय, पंजाब, पा में अनुसार बिंदु, जा में बढ़िया की मात्रा और ब पंजाब, जा में बढ़िया की मात्रा जा और रा, हा में बढ़िया की मात्रा रहा, हा में ए की मात्रा है, विराम लिख देंगे। अगला वाक्य लिखेंगे, आज बहुत तेज ठंड है। आज, बड़ा आ और ज आज, ब हा में छोटे ऊ की मात्रा और ता बहुत, ता में एक की मात्रा और ज तेज, ठा में अनुसार बिंदु और ड ठंड, हा में ए की मात्रा है। और अगला वाक्य लिखेंगे, बसंत का मौसम आ गया है। ब सा में अनुसार बिंदु और ता बसंत, का में बढ़िया की मात्रा का, मा में औ की मात्रा, स और मौसम मौसम, आ ग या में बढ़िया की मात्रा गया और हा में ए की मात्रा है। बसंत का मौसम आ गया है के बाद में अगला वाक्य है, पिंकी रंगीन कपड़े पहन। पा में छोटी की मात्रा अनुसार बिंदु, का में बड़ी की मात्रा पिंकी, रंगीन रा में अनुसार बिंदु, गा में बड़ी की मात्रा और ना रंगीन, का और पा कप, रा में एक की मात्रा कपड़े और प और ह पह और न पहन। पिंकी रंगीन कपड़े पहन के बाद में है, चंदन का टीका लगा। अगला वाक्य लिखेंगे, चंदन का टीका लगा। चा में अनुसार बिंदु, द और न गन चंदन, का में बढ़िया की मात्रा का, टा में बड़ी की मात्रा और का में बढ़िया की मात्रा टीका, ल गा में बढ़िया की मात्रा लगा, विराम लिख देंगे। और आगे लिखेंगे, स्कूल की घंटी बज रही है। स्कूल की घंटी बज गई है। स्कूल की आधा सा, का में बड़े ऊ की मात्रा और ला स्कूल,
का में बड़ी की मात्रा की, घा में अनुसार बिंदु, टा में बड़ी की मात्रा घंटी, ब और जा बज, ग और बड़ी गई, और हा में ए की मात्रा है, विराम लिख देंगे। अगला वाक्य लिखेंगे, रोजाना दांत का मंजन कर। रोजाना रा में उ की मात्रा, जा में बड़े की मात्रा, ना में भी बड़े की मात्रा, रोजाना दा में बड़े की मात्रा, माफ करना दंत मंजन, दा में अनुसार बिंदु और ता दंत, मा में अनुसार बिंदु मन, ज न जन मंजन, कर कर, रोजाना दंत मंजन कर के बाद में अगला वाक्य है, प्रातः जल्दी उठना चाहिए। प्रातः जल्दी उठना चाहिए, पा में पनेन्द्रा और बड़े की मात्रा प्रा और ता में अहा की मात्रा, प्रातः जल्दी, ज आधला दा में बड़ी की मात्रा जल्दी, उठना छोटा उ और ठा उठ, ना में बड़े की मात्रा ना उठना, चा में बड़े की मात्रा और हा में छोटी की मात्रा और ए चाहिए, प्रातः जल्दी उठना चाहिए। अब हम आ की मात्रा वाले शब्द लिख रहे हैं और अगला वाक्य है, स्वतः हिंदी लिखना सीखें। स्वतः हिंदी लिखना सीखें, स्वतः आधा सा वा, ता में हा की मात्रा स्वतः, हा में छोटी की मात्रा अनुसार बिंदु, दा में बड़ी की मात्रा हिंदी, लिखना ला में छोटी की मात्रा और खा लिख, ना में बड़िया की मात्रा लिखना, सा में बड़ी की मात्रा सी और खा में एक की मात्रा अनुसार बिंदु सीखें, विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे, संभवतः महीने के अंत तक आप हिंदी लिखना सीख जाएंगे। संभवतः सा में अनुसार बिंदु और भ और वा, संभव ता में अह की मात्रा तह, संभवतः माँ और हा में बड़ी की मात्रा, ना में एक की मात्रा, महीने के का में एक की मात्रा के, आ में अनुसार बिंदु और त अंत, त और का तक, आप बड़ा आ और प आप, हिंदी हा में छोटी की मात्रा अनुसार बिंदु, दा में बड़ी की मात्रा हिंदी, लिखना ला में छोटी की मात्रा और खा लिख, ना में बड़िया की मात्रा ना लिखना, सा में बड़ी की मात्रा और खा सीख, जा में बड़िया की मात्रा और ए में चंद्र बिंदु, गा में ए की मात्रा जाएंगे, ठीक है, विराम लिख देंगे। संभवतः महीने के अंत तक आप हिंदी लिखना सीख जाएंगे के बाद में अगला वाक्य है, दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। दिए गए निर्देशों का, दा में छोटी की मात्रा और ए दिए, ग और ए गए, निर्देशों ना में छोटी की मात्रा, दा में ए की मात्रा, साथ हैं रेफ की मात्रा और शा में ओ की मात्रा अनुसार बिंदु, निर्देशों का में बड़िया की मात्रा का अक्षरशः अ छ और आ अक्षर, शा में अह की मात्रा अक्षरशः, पालन निर्देशों का अक्षरशः पालन, पा में बड़िया की मात्रा और ला और ना पालन करें, क रा में एक की मात्रा अनुसार बिंदु, विराम लिखेंगे। अगला वाक्य लिखेंगे, वस्तुतः शयने शयने सभी लोग हिंदी सीख रहे हैं। वस्तुतः वा आधा सा, ता में छोटे उ की मात्रा और ता में अह की मात्रा, वस्तुतः शयने शा, ना में अ की मात्रा, अह की मात्रा साथ में शयने और फिर शा, ना में अ की मात्रा साथ में अह की मात्रा, शयने शयने सभी लोग, सा भा में बड़ी की मात्रा सभी, ला में ओ की मात्रा और गा लोग, हिंदी हा में छोटी की मात्रा अनुसार बिंदु, दा में बड़ी की मात्रा हिंदी सीख रहे हैं, सा में बड़ी की मात्रा और खा सीख, रा हा में एक की मात्रा रहे और हा में एक की मात्रा और अनुसार बिंदु हैं। अगला वाक्य लिखेंगे, कृपया इस वीडियो को पुनः देखें। कृपया
का में री की मात्रा और प या में बड़ा की मात्रा। कृपया इस छोटी ई और सा इस वीडियो वा में बड़ी की मात्रा, डा में छोटी की मात्रा, या में ओ की मात्रा वीडियो को, का में ओ की मात्रा को पुनः, पा में छोटे ऊ की मात्रा, ना में अह की मात्रा पुनः, दा में एक की मात्रा, खा में एक की मात्रा अनुसार बिंदु देखें। तो साथियों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी लिखना सीखा। हिंदी लिखना सीखें के आज की वीडियो में हम लोगों ने अंग और अह की मात्रा वाले शब्दों के वाक्य लिखना सीखे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी होगी और लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है और हमारे जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जो साथी अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी बहुत 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 धन्यवाद। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।